तस्वीरें देखिए, पहले बहस होती है, फिर तूतू मैं, इसके बाद महिला को इस कदर गुस्सा आ जाता है कि वो अपने सामने खड़े एक शख्स को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद बहस और गर्म हो जाती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस झगड़े को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, बल्कि आसपास खड़े लोग बस तमाशबीन की तरह देखते रहते हैं। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू जिले की हैं, जहां के उदयपुर वाटी पंचायत की बैठक चल रही थी, तभी पंचायत समिति की एक महिला सदस्य ने समिति के दूसरे सदस्य को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाली इस महिला सदस्य समिति का ये सदस्य पंचायत की बैठकों में महिला को बोलने ही नहीं देता था, इसलिए उसने सदस्य को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। जिस वक्त महिला ने अपने साथी पर हाथ उठाया, ठीक उसी वक्त किसी ने इस घटना का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। इसके बाद ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल कर दिया गया। पंचायत समिति की महिला सदस्य हंसा ने आरोप लगाया कि राकेश कसवा महिलाओं का सम्मान नहीं करता है और उसे पंचायत की बैठकों में बोलने की अनुमति भी नहीं देता है। वो मेरे ऊपर गलत लालसन लगाता था और मैं बोलती ना, जितनी बार मेरी बात को दबाना पड़ता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाना पड़ा। मैंने चप्पल भी मारी उसको और मैंने थप्पड़ भी मारी। ये मामला है, कल का है ये मामला। पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें मैं बैठी थी तो उसने मेरे को ऐसा बद बोला, उसको महिलाओं का सम्मान करना तो आता नहीं है और गलत लालसन लगाने का ही काम है उसको। उसने बेतमीजी कर रहा था तो मैंने उसको चप्पल थप्पड़ों से मारा, तो मैंने बीच में आके प्रधान जी ने रोक लिया था, नहीं तो उसको मैं शब्द सिखाती कि आगे से वो किसी महिलाओं के लिए ऐसा बद नहीं बोल सकता है वो। वहीं पंचायत समिति के दूसरे सदस्य राहुल कसवा ने भी मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की है। मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके पीछे पूरा प्रधान सविता खरवास और प्रधान पति पवन खरवास का पूरा हाथ है। उनके द्वारा पहले से सोची समझी साजिश थी और वो ये देख रहे थे कि हंसा वर्मा एसी की मेंबर है और राकेश कसवा के खिलाफ इसके साथ अभद्र व्यवहार करा दिया जाए तो हमारे खिलाफ जो राकेश कसवा भ्रष्टाचार के बारे में बोलेगा और अनियमितताओं के बारे में हमारे खिलाफ जो उजागर करेगा पंचायत समिति की मीटिंग में, तो वो न हो, इसी कारण उसने ये करवाया। पंचायत समिति के दोनों सदस्य अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। गलती किसकी है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।